अभी फलवा चढ़ाई। निकलल बा जजमान, रउआ लोग खुशी खुशी जाई, अब बियाह के तैयारी करी। अरे पंडित जी, अच्छा अच्छा खुशबा, अरे कुल के का जरूरत बा? जाई रउआ सबे बिया के तैयारी करी, समझी कि रउआ घरे साक्षात लक्ष्मी आवत बाड़ी। तो रउआ एक मिनट पंडित जी। राजू, ये क्या ड्रामा चल रहा है? राजू बेटा, ये लेखी के है? हमके नहीं पता माई। पता नहीं, मैं बताती हूँ माजी, मैं इसकी पत्नी और आपकी बहू हूँ। बहू? कहाँ बोलती आई? अब माई लेकी झूठ बोलतिया। झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो खाओ अपनी माँ की कसम और बोलो कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं। ओए! हमारा माई के बीच में ले ही लेना तो हमारा खपरा समूह लाल हो जाए। शादी शादी कर रही है ना, तो सुन, शादी हुई थी हमारी, पर कैसे हुई याद है ना? अरे एक ऐसी शादी जिसमें तुम पत्नी नहीं पति की भूमिका में थी और मैं तुम्हारा पत्नी बन गया। अरे मैडम जी, आपको क्या पता शादी क्या होती है? शादी दो जिस्मों के साथ साथ दो आत्माओं का मिलन होता है, जिसे एक पंडित गांव और समाज के सामने सात वचनों से बांधता है, जिसमें दो अजनबी लोग एक साथ मिलकर एक सफर की शुरुआत करते हैं। और आपने क्या किया? अरे आपने तो अपनी शादी को सात शर्तों के साथ शुरू की थी। शर्त कि मेरी शादी कोर्ट में होगी, शर्त कि मेरी शादी 6 महीनों के लिए होगी, जिसमें मैं आपकी पत्नी बनकर रहूंगा और आप मेरी पति बनकर रहेंगे। अरे आपको क्या पता कि शादी क्या होती है? शादी के बाद दो जिस्म मिलकर के एक नए जीवन का आधार बनते हैं। लेकिन आपने क्या कहा था? याद है आपको आपके शब्द कि राजू बंद कमरे में मेरे सामने 3 फीट की दूरी पर है ना, और मेरे दोस्तों के सामने 6 फीट की दूरी पर। हमारी और तुम्हारी ये जो 6 महीने की शादी थी वो खत्म हो गई, और खत्म होते ही तुमने क्या कहा था? राजू तुम बहुत अच्छे हो, तुम किसी का भी दिल जीत सकते हो, लेकिन मेरा दिल नहीं जीत पाए, तुम मेरे पति नहीं बन सकते। गलती ना तुम्हारी थी ना गलती मेरी थी। तुमने मुझे पैसा दिया, मैंने तुम्हें अपने आप को बेचा। तुम्हारे पास पैसे थे और मेरे पास मेरी मजबूरियां। दरअसल वो सब एक ड्रामा था, पर यहाँ कोई ड्रामा नहीं चल रहा, यहाँ मेरी शादी चल रही, और ये शादी मैं तुम्हें दूंगी। तुम यहाँ से जा सकते हो। राजू, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसमें तुम्हारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं। बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। देखती हूँ कैसे करते हो तुम शादी, कैसे लाते हो मेरी सौगंध। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, ये मेरा घर है। बिटिया, तू ठीक से पहुंच गई लू ना? उहा सब ठीक बानू? नहीं दादी, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। राजू एकदम बदल गया है, वो दूसरी शादी कर रहा है। बेटा तू हिम्मत मत हारिया, ये लड़ाई कोनो संपत्ति के ना, तोहरे सिंदूर के बा। और ये देश की नारी अपना सिंदूर के रक्षा करे खातिर स्वयं यमराज से लड़ ले पड़ी, फिर इंसान के का औकात बा? बेटा, ये लड़ाई में यहाँ से तोहरा साथे केहू ना जाए, ये लड़ाई तोहरा खुद लड़े के बा और जीते के भी बा। हमनी के कुछ दे सकीले तो तोहरा के आशीर्वाद दे, और तू अपन ख्याल रखिया बेटा। अच्छा बेटा, फोन रखा था नहीं, अपना।
दौलत की होती तो मैं एक बार हार मान भी जाती, लेकिन बात मेरे सिंदूर की है और मैं हार नहीं मानूंगी। राजू बेटा, माई हम दोनों से ही बात छिपाऊंगी, हमरा के माफ कर दिया माई, हमरा के माफ कर दिया। बेटा तू माफी काहे मांगा तारा, आज हमरा के तारा त्याग के बारे में जानते, तारा बहन से तार बहन के प्रति प्रेम के बारे में जानते, हमरा के गर्व हो रहल बा, हम अपना आप के बहुत खुश नसीब माना तानी कि तोरे जैसन लेका हमरा कोखी से जन्म लेलस। हाँ भैया, राखी के कर्ज तू अपना के बेच के चुकावला, भगवान हर बहन के तोहरे जैसन भाई देस। राजू वो लड़की के का होई? हाँ राजू, निर्मला ठीक कह दिया, लड़की के का कहल जाए। ब्याह तुम कोनो भी कीमत पर नहीं करा पाई। माता पिता तुम मेरे शरण कहो किसकी? मेरा रोज का। अच्छा, चार चार बोतल रोज का, काम मेरा रोज का, चार बोतल रोज का, काम मेरा रोज का। देखले माई असली आती है करी है, का हो कहत वोटका के संग चखना मंगवा दी, मछली तलवा दी तोहरा खाते। अरे एक नंबर का नाटकी, हरे आ गया से से तो काम बना नहीं, क्या करूं? भोजन ट्राई करती हूं लेकिन क्या बनाऊं, मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। लिट्टी चोखा बनाती हूँ, राजू को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बनाऊंगी कैसे? आइडिया बनाती हूँ, अब तो मैं राजू का दिल जीत के रहूंगी। देखा तो नहीं है पर देख लेती हूँ। हाँ देख लिया, एक ब्लैक है और एक वाइट, बनावा जोन मन करे। हमको सारे परिवार के लिए खाना बनाना है आज। क्या बनेगा? लिट्टी चोखा बनाऊंगी, नेट पे देख के। ठीक बना, जॉन मन करे करा। जो भी हो आज तो लिट्टी चोखा बना के रहूंगी, राजू का दिल जीतना है मुझे। नमस्कार, हम चोखा सिंह स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल मेक डिलीशियस लिट्टी चोखा में। चोखा सिंह, हाँ तो सबसे पहले भैया भौजी माता बहन जे भी बनावट हो गए लिट्टी चोखा पहले उपला दे। उपला उपला क्या होता है? उपला नहीं पूछे, और भाई कोई ठोस चिपारी समझ आया बुझाया हमारा। मम्मी जी, हाँ तो जी, अब अगला जौन सामग्री है वो है। मम्मी जी, अरे अब का भेल? उपला क्या होता है? चिपरी होला, चिपरी दे दीजिए। ए निर्मला, एकरा के चिपरी आके दे। ठीक बा माई। आ,
ए सुगंधा, एकरा के लिट्टी चोखा बनाए खातिर सारा सामान लाके दे और चूल्हा जलाए खातिर भी। ठीक बा। परेशान इला, लिट्टी चोखा बनाए के सारा सामान और जो कुछ बाकी बा हम लाके देता नहीं। थैंक यू दादी। अब अगर सारा सामान आ गया हो तो सबसे पहले आटे को हाथ में ले। अब अगर आपको ये भी ज्ञान नहीं है कि आटा कैसा होता है, जीवन में पहली बार लिट्टी चोखा बना रहे हैं, महानिरा निपट मूर्ख आदमी है, तो हम बताते हैं सफेद होता है आटा और पीला होता है सत्तू। इतना बताना पड़ता है कि थक जाते हैं। हाँ तो भैया भौजी आगे बढ़ते हैं, पानी और मिट्टी का तेल ले। मम्मी जी पानी दे दीजिए। अब का भाई? पानी पानी इलाके दे रहे क्राके और मिट्टी का तेल। इला पानी ये मिट्टी के तेल और कुछ बाकी बा तो बोल। अब मिट्टी के तेल को डालें। वैसे मिट्टी के तेल से ना हमको अपने जीवन का एक बड़ा ही रोचक बात है याद आ गया कि हुआ कि एक मोहतरमा थी, वो हमारा वीडियो देखकर लिट्टी चोखा बना रही थी। हमने बोला मिट्टी का तेल डालो, पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिट्टी का तेल डाल दिया आटे में। आपको आटे में नहीं डालना है, आपको डालना है उपले में। अब अगर मिट्टी का तेल पड़ गया हो तो आप जलाएं। जलाइए जलाइए, अरे जलाइए ना। जला दीजिएगा वो मूर्ख मोहतरमा की तरह। सबसे पहले ये बताइए, आप हमारा वीडियो देख रही है, आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं, घंटा दबाया कि नहीं, दबाइए ना प्लीज। अब उबला जल गया हो तो उसको आरा बन दे। अब पानी को डालिए डालिए डालिए, बड़ा मजा आने वाला है। पानी को डाल दीजिए आटे में। आटे में पानी डालो। अरे डालिए ना, अरे डालिए तो सही, अरे डालिए ना। आटा जो है वो लबरी बन जाए, गुथने तक ही डालिएगा। अब जो आगे की विधि है वो ये आप जो है टमाटर लेंगे, मिर्च लेंगे, लहसुन लेंगे, उन सबको काट के अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छे से काटे, चार कमरे ले और उन सबको में डाले और बहुत ही अच्छा सा रगड़ 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 के उसमें सबसे पहले तेल डालिएगा और साथ मिलाइए बढ़िएगा और रगड़ने के चावल बना देता नहीं। अच्छा हम वो ना खाए, हमरो पेट भरल बा।